एवरीवन, तो मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डॉक्टर स्लम। तो इस ड्रामा के हमें टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि वीकली बेसिस पर रिलीज होगी, यानी हर हफ्ते 2 एपिसोड आएंगे, वो भी संडे और सैटरडे को। तो फिर बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्ट होती है हानियुल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन भी है। हानियुल एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है। तो बेसिकली इन डॉक्टरों का ये काम होता है जब भी किसी पेशेंट का बड़ी सर्जरी होने वाली होती है उससे पहले पेशेंट की पूरी जांच करना और उसे क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे पहले कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी, इन सब कंडीशन के बारे में जानकारी रखना ही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर का काम होता है। यानी कि ऑपरेशन में भी इन डॉक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो अपने हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी और देखते कि हानियुल के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। पर आज का दिन आम दिन की तरह नॉर्मली था, सब लोग अपने काम में बिजी थे, हानियुल भी अपनी ड्यूटी पर थी। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होने के कारण वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आती है और जैसे ही हानियुल रोड क्रॉस कर रही थी तो उसके पेट में और ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर ही गिर पड़ती है। पर इस वक्त भी हानियुल की नजर अपने चारों तरफ मौजूद लोगों पर थी। कुछ लोग बहुत ही खुश थे तो कुछ लोग बहुत ही बिजी, और शायद इसी दिन को ही आम दिन कहते हैं। इसी तरह के आम दिन में कुछ लोग बहुत ही खुश होते हैं तो कुछ लोग बहुत ही बिजी तो कुछ लोग बहुत ही परेशान, और इसी तरह के आम दिन में कुछ ऐसे घटना भी घट सकती है जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, यानी कि ऐसे ही आम दिन में किसी की मौत भी हो सकती है। तभी हम न्यूल के सामने एक बड़े से ट्रक को आते हुए देखते हैं जो सीधा उसी की तरफ आ रही थी। न्यूल भी अपने सामने तेजी से आते हुए ट्रक को देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती। ट्रक तेजी से आती है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाती है। और अगले सीन में हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक पेशेंट के सर्जरी कर रहे थे और सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाता। इस तरह एक आम दिन भी बहुत ही बुरा बन सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और साल 2009 पुसान में दिखाया जाता है। न्यूल अपने हाई स्कूल में होती है। न्यूल एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जो पूरे पुसान में टॉप स्टूडेंट में से एक है। इस बार भी उसका नाम टॉप स्टूडेंट लिस्ट में आया था। इसी खुशी में वहाँ पर बैनर भी लगा गया था। एक बार हम न्यूल की मदर और अंकल को देख सकते हैं जो न्यूल के अचीवमेंट की वजह से बहुत ही खुश थे, और यही पर सेलिब्रेशन भी न्यूल की वजह से हो रहा था। यहाँ पर हमें न्यूल की मदर से न्यूल के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि न्यूल टाइम सेव करने के लिए दौड़ते दौड़ते भी पढ़ती है और अपने पूरे दिन में 17 घंटे तक पढ़ती है। और तो वो एकदम से ही सिंपल सा खाना खाती है ताकि उसे खाना हजम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो फ्री टाइम में भी अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि फ्री रहने से उसका दिमाग फालतू चीजें सोचती है, इसलिए वो अपना फालतू टाइम भी अपना सामान ऑर्गेनाइज करने में लगा देती है। उठते बैठते सोते जागते वो बस एक ही काम करती है, वो है पढ़ाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पैदा हुई है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, और ऐसे ही बेटी को पाकर न्यूल की मॉम बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ अब मिलते हैं हमारे ड्रामे के दूसरे मेन कैरेक्टर जंगबू से। जंगबू भी हाई न्यूल से पढ़ाई के मामले में कोई कम नहीं है। वो भी कोरिया कंट्री का टॉप स्टूडेंट में से एक है और आए दिन स्कूल में होने वाले टेस्ट में वो हमेशा फर्स्ट आया करता है। इसकी वजह से उसका नाम का बैनर लगना तो आम बात ही हो गई है। जब भी ये बैनर्स लगते हैं तो वो अपने दोस्तों के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, पर इससे मन ही मन वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर आगे हम न्यूल की फैमिली को देखते हैं। आज न्यूल के फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है जिसके वजह से न्यूल की आंटीज भी आई हुई थी। जैसे यहाँ पर न्यूल आती है तो वे सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं, और इस दौरान भी न्यूल अपनी पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर न्यूल की बड़ी आंटी न्यूल के मॉम से कहती है कि ना तुम फैमिली फैक्ट्री को बेच दो क्योंकि वैसे भी फैक्ट्री लॉस में थी, जबकि वासुन इस फैक्ट्री को नहीं बेचना चाहती क्योंकि एक तो ये फैक्ट्री उनकी फैमिली की निशानी है और दूसरा इस फैक्ट्री में उसने अपने हस्बैंड के साथ कड़ी मेहनत की थी। आंटी का कहना होता है कि इस फैक्ट्री को बेचकर उसका 50% हिस्सा वासुन अपने पास रख सकती है और 30% हिस्सा वो खुद रखेगी और छोटी आंटी को 20% मिलेगा। जब न्यूल की छोटी आंटी इस बारे में सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो आर्गुमेंट करने लगती है कि वो 20% हिस्सा क्यों रखे, जबकि उसे ये मंजूर था कि उनकी मदर 50% हिस्सा रख सकती है क्योंकि फैक्ट्री में उसने अपना योगदान दिया है। पर वो न्यूल की बड़ी आंटी से हिस्सा कम क्यों ले, इसी बात में दोनों के बीच बहुत ही बहस होने लगती है और दोनों फाइट करना भी शुरू कर देते हैं। फाइट करते करते वो न्यूल के ऊपर गिर जाते हैं, पर इससे भी न्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लेट कर ही पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और जैसे ही उसकी पढ़ाई का टाइम अप हो जाता है वो किताबें बंद कर देती है और सीधा खड़ी होकर अपनी मॉम से कहती है, मॉम हम फैक्ट्री बेच देते हैं। ऐसे भी फैक्ट्री लॉस में जा रही थी ना, और आप भी चाहती थी कि मैं सियोल जाकर पढ़ाई करूँ, तो सब कुछ बेचते हैं और यहाँ से चलते हैं। और इससे हमें इन लोगों की शक्ल
कभी देखनी नहीं पड़ेगी। इस तरह न्यूल अपनी पूरी फैमिली के साथ सियोल में शिफ्ट हो जाती है। आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जनबू का दोस्त दौड़कर क्लास में आता है और सभी से कहने लगता है कि हमारे क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ है, वो बुसान से आई है और वो बहुत ही सुंदर है और तो और वो भी जंगबू की तरह टॉप स्टूडेंट में से एक है। जैसे ये बात जंगबू सुनता है वो लिखते लिखते रुक जाता है और उसके दोस्त आकर कहने लगते हैं तुम हमारे स्कूल में टॉप स्टूडेंट हो और हमारे स्कूल में तुम्हें टक्कर देने वाली एक लड़की आ गई है, तो ये बात तो तुम्हें परेशान कर रही होगी ना। इस पर जंगबू कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है न्यूल की, यानी न्यूल का भी इस स्कूल में एडमिशन हो गया है। टीचर न्यूल को सभी स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और तभी न्यूल की नजर जंगबू पर जाती है और जंगबू की नजर न्यूल पर जा। यहाँ पर आने से पहले न्यूल ने स्कूल के टॉप स्टूडेंट के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। वो जंगबू को देखकर पहचान जाती है और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। जंगबू अपने मन में ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सूरज एग्जिस्ट कर सकता है और बोहू में। वही न्यूल अपने मन में कहती इस पूरे स्कूल में एक ही टॉप स्टूडेंट रह सकती है और बोहू में, यानी इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन शुरू होने वाली है। आगे ब्रेक के दौरान जब सभी स्टूडेंट न्यूल के पास आकर उससे बात करने लगते है और उससे पूछने लगते है कि वो बुसान में पढ़ाई में कैसी थी, तो न्यूल यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं करती। अभी जब जंगबू स्मार्ट बनते हुए न्यूल के पास आता है और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है, तभी न्यूल अचानक से जोर से कहती है सभी के सभी ऐसे गेट आउट हो जाए, और ये सुनते ही जंगबू को बहुत ही इंसल्ट फील होता है। सभी के सभी तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जंगबू को और उसके फ्रेंड को न्यूल के नए नए कारनामे देखने को मिलता है। जैसे वो ब्रेक के दौरान भी एक्सरसाइज करते हुए पढ़ाई कर रही थी और ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि वो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई कर सके। और एक दिन क्लास में टीचर जब उन्हें मैथ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देते हैं तो जंगबू उसके कॉपी में सॉल्व कर रहा था और न्यूल हवा में अपने कैलकुलेशन कर रही थी। जैसे ही जंगबू आंसर बताने जाता है उससे पहले न्यूल आंसर बता देती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो जंगबू से भी फास्ट है। क्लास खत्म होने के बाद जब जंगबू अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से निकल रहा था तब वो न्यूल को कुछ खाते हुए देखते हैं और वो अपने दोस्तों से ये पूछने लगता है कि वो क्या खा रही है। अब उसके दोस्तों से बताते हैं कि वो ड्राई कॉफी खाती है, उससे उसे बार बार बाथरूम जाना नहीं पड़ता। उनका जंगबू हैरान हो जाता है और कहता है सच में ये लड़की पागल है, उससे तो हमें दूर ही रहना पड़ेगा। बस इस तरह धीरे धीरे जंगबू उससे इनसिक्योर होने लगा था। अब तो स्कूल में भी सबसे पहले न्यूल ही आया करती है। जब जंगबू स्कूल आता है तो सबसे पहले न्यूल को यहाँ पर देखता है। न्यूल उसके सामने से दौड़ कर निकलती है तो उसे भी ये सहन नहीं होता और वो भी रेस लगाने लगता। उसे देखकर न्यूल और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। दोनों के जीने का तरीका बहुत ही अलग था। न्यूल का तरीका था कि उसे लाइफ में हमेशा मूव करते ही रहना है, जबकि जंगबू का मानना होता है कि हम जैसे सोचते हैं लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता। के साथ समय बीतता है और साल आता है 2023 का। अब जंगबू एक बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बन चुका है और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें उसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है और तो और उसके बहुत सारे क्लिनिक्स भी है। कल हम जंगबू को एक इवेंट में देखते हैं और यहाँ पर हम जंगबू के कुछ कॉलेज के दोस्तों से भी मिलते हैं। इनमें से हम एक से मिलते हैं जिसका नाम है देख्यूं, जो शुरू से ही जंगबू से चलता है। काफी लंबे समय के बाद ये लोग इस इवेंट में मिलते हैं और जब जंगबू दोगियों से मिलता है तो दोगियों उससे ठीक से बात भी नहीं करता। फिर जैसे ही ये लोग टेबल पर बैठने जाते हैं तो दोगियों अपने लिए कुर्सी निकालते हैं। इससे पहले इस कुर्सी पर जंगबू बैठ जाता है। बात पर देख्यूं को गुस्सा तो बहुत ही आता है, फिर वो अपने लिए वाइन सर्व करने लगता है। जंगबू उसकी तरफ अपनी ग्लास भी बढ़ा देता है। इन सब से देख्यूं को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंगबू को कुछ बातें सुना देता है कि ये कुर्सी मैं तुम्हारे लिए नहीं निकाल रहा था और मैं तुम्हें वाइन भी सर्व नहीं कर रहा था, ये सारे काम मैं अपने लिए कर रहा था। तभी जंगबू खड़ा हो जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे लगा तुम मेरे लिए करना चाह रहे हो, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए वाइन सर्व कर देता हूँ। लेकिन उसे एक सलाह देता है कि तुम अभी भी ये सब हरकतें करते हो तो अब से यह सब हरकत करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इन सब चीजों के लिए पनिशमेंट मिलेगी। जैसा देख्यूंग ने बोला था उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। इस इवेंट में मिनिस्टर द्वारा जंगबू को बेस्ट प्लास्टिक सर्जन हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। ये सब देखकर देख्यूंग को और भी जलन होने लगता है।
और आगे हम जंगबू को उसके स्कूल के दोस्त किम और योंग के साथ देखते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि जंगबू का यूट्यूब चैनल किम और योंग दोनों ही संभालते हैं। पर किम जंगबू को बताता है कि उसका स्कूल का रियूनियन पार्टी अब इस बार इस पार्टी में आएगा, और जंगबू का कहना होता है कि वो कह नहीं सकता कि हो सकता है कि उसी दिन उसे कोई सर्जरी करना पड़ जाए। तब योंग उससे कहता है अगर उस पार्टी में न्यूल आएगी तब भी वो नहीं आएगा। जंगबू कहता है कि वो अचानक न्यूल की बात क्यों करने लगा, उन तीनों में से किसी को भी पता नहीं कि वो आजकल क्या कर रही है। जंगबू आगे कहता है कि वो स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, इस सब से तो वो अच्छी काम ही कर रही होगी, लेकिन जैसा वो कह रहा था वैसे बिल्कुल नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं। न्यूल आगे तो बढ़ चुकी थी और अपना करियर भी बना चुकी थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसे हर बार अपने सीनियर डॉक्टर से दांत खानी पड़ती थी और हमेशा उसे माफी मांगनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे इतना काम दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाती। जैसे ही उसकी डांट की क्लास खत्म होती है वो बाहर आती है, लेकिन बाहर आते ही उसे ऑपरेशन सर्जरी के लिए बुला लिया जाता है और इस तरह वो फिर से आराम नहीं कर पाती। अगले मॉर्निंग न्यूल जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे थका देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो जल्दी से उसके लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए जाती है। न्यूल इतनी थकी हुई थी कि वो बैठे बैठे सोने लगती है, लेकिन फिर वो अपने हाथ धोकर खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाती है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वह सुन और भी परेशान हो जाती है, तो न्यूल बताती है कि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी न्यूल का फोन बजने लगता है और उसे हॉस्पिटल बुला लिया जाता है, और फिर से न्यूल को बिना खाना खाए हॉस्पिटल भागना पड़ता है। और उसी तरह जंगबू की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, वो डॉक्टर के साथ साथ अब एक इन्फ्लुएंसर भी था। उसे बड़े बड़े कंपनियों से ऑफर आया करते थे जिसका वो ऐड किया करता था और उससे लाखों कमाता था। उन पैसों से वो और भी ज्यादा क्लिनिक खरीद लिए थे, वो जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता था वो हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन जब उसकी लाइफ में वो दिन आया और वो इंसिडेंट हुआ तो सब कुछ बदल गया। आगे देखते हैं कि जंगबू के क्लिनिक में एक पेशेंट आई और उससे कॉन्ट्रोलिंग सर्जरी करवानी थी, और नर्स से जंगबू को पता चला कि वो लेडी मकाउ से थी। वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आई थी। वेल सर्जरी का दिन भी आ जाता है और सारी तैयारी भी कर ली जाती है। वेल दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं, वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें उसके सीनियर द्वारा लैब के एक डॉक्टर यू को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही है उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर यू को मिल जाएगा। और उसे ये चांस इसलिए मिला क्योंकि उसके फादर बहुत ही नामी बिजनेसमैन है। इन सब से न्यूल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ परेशान थी अपने पेट की वजह से। वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसके पेट का दर्द फिर से शुरू हो जाता है, और उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जिसके साथ बैठकर वो लंच करने वाली थी। और हम वही सीन पर पहुंच जाते हैं जो एपिसोड के फर्स्ट में हमें दिखाया गया था। न्यूल यहाँ पर सड़क के बीचों बीच गिर जाती है और ट्रक सामने से आने लगता है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर ट्रक को संभाल लेता है। और जब न्यूल की फ्रेंड देखने आती है तो देखती है कि न्यूल बेहोश पड़ी हुई थी और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसी तरफ हम ऑपरेशन रूम में देखते हैं, सर्जरी कॉम्प्लिकेट होने लगती है और पेशेंट के मुंह से कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग होने लगता है। जंगबू और उसकी टीम पूरी कोशिश करती है ब्लीडिंग रोकने की, लेकिन केस और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है और ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुकता, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। जंगबू की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि सर्जरी के दौरान उसके पेशेंट की मौत हो गई हो। देखते ही देखते ये न्यूज वायरल हो जाती है और जंगबू को पुलिस स्टेशन का चक्कर भी लगाना पड़ता है। वह पुलिस स्टेशन में तो केवल उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत उसके सिर पर आती कि जिसकी सर्जरी वो कर रहा था वो कोई आम लेडी नहीं थी, वो मकाउ की बहुत ही बड़ी कशीनों की इकलौती वारिस थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की तरफ से जंगबू पे बहुत ही बड़ा केस हो जाता है। और ये केस लेट इसलिए भी था क्योंकि सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम के बीच की फुटेज गायब थी। और आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं। यह पर ऑपोजिट पार्टी का वकील जंगबू पर ये आरोप लगाता है कि उसने पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन दी जिसे सर्जरी के दौरान नहीं देना चाहिए था। कि जंगबू का वकील का ये कहना होता है कि उनका क्लाइंट जंगबू अपने क्लिनिक में इस तरीके के मेडिकेशन को ऑर्डर ही नहीं करता, और तो उनके क्लिनिक में आने वाले सभी मेडिसिन की सारी रिपोर्ट थी कि उन्हें कहां से ऑर्डर किया जाता है और उनके क्लिनिक में कौन कौन से मेडिकेशन आते हैं। पर ऑपोजिट पार्टी का वकील यहाँ पर सबूत पेश कर देता है और पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये मेडिसिन ऑपरेशन रूम से ही मिला है, और इस बोतल के ऊपर जंगबू का फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए हैं। वो भी ये जानकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सच में उसने इस मेडिसिन का यूज ही नहीं किया था। इस तरह से जंगबू ये केस हार जाता है और उसे करोड़ों का नुकसान होता है। और अब जंगबू को अपनी लाइफ में पहली बार ही फील होता है कि विफल और हरा देने में बहुत ही बड़ा अंतर है।
जब कोई इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, कई मुश्किलों के बाद भी बाह पर पहुंच नहीं पाता तो उसे विफल हो जाना कहते हैं। लेकिन जब वही इंसान अपने सपने को पूरा कर लेता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, पर एक गलती के कारण उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, तो उसे हार जाना कहते हैं, यानी कि फेलियर। यानी फेलियर और डिफीट होने में बहुत ही बड़ा अंतर है। और आज चंगू ये महसूस कर रहा था कि वो हार गया है, लेकिन फिर भी उसके दिल में बस एक उम्मीद थी कि उसके दोस्त उसे विलीप करेंगे। लेकिन जब चंगू अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो उसके दोस्तों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि किम और यंग दोनों ही उसके साथ बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से भी नुकसान हुआ। और तो और वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे सच में उस मेडिसिन का प्रयोग किया था या नहीं, और अगर नहीं किया था तो उस बोतल पर उसके फिंगरप्रिंट्स का निशान कैसे आया। और आगे चंगू को किम योंग से पता चलता है कि उसके ऊपर कई तरह के पेनल्टीज लगे हुए हैं, यानी कि उसके ऊपर कम से कम 1 बिलियन का कर्जा है। इसे चुकाने के लिए उसे अपने सारे क्लिनिक, घर, कार सब कुछ बेचना होगा। ये सब सुनकर चंगू और भी टूट जाता है। यहाँ पर क्योंग मिन उसे हौसला देता है कि उसे स्ट्रांग रहना होगा। दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं। उसके पेट में पथरी थी, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होता था, यानी कि वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर भी वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में और करियर में आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। इतनी मेहनत करके उसने जो अचीवमेंट पाई थी, उस खुशी को भी वो महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि उस दिन जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था तो उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया है कि रोज रोज अपने सीनियर डॉक्टर से डांट खाने से अच्छा और उनसे माफी मांगने से अच्छा है कुछ इसी तरह अपने काम पर आना और काम से घर जाना, इतनी मेहनत करना, फिर भी वही का वही रह जाना, सक्सेस पाने के बाद भी हरा हुआ फील करना, और अगर अचीवमेंट मिल जाए तो उसकी खुशी में ना होना। अगर लाइफ इस तरह की होती है तो इस लाइफ को मुझे नहीं चाहिए। और उसके मन में ये इच्छा आ रही थी कि वो टक उसे धक्का मार दे और वो मर जाए, शायद ऐसा होने से वो मुक्त हो जाएगी और उसे ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म देते हैं, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही उसे डॉक्टर बताएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। आगे हम न्यूल को शांति से बैठकर फॉर्म फिलअप करते हुए देखते हैं। इस फॉर्म में एक लाइन लिखी हुई थी कि आप हमेशा अकेलापन और उदास फील करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी थे और न्यूल ऑलवेज वाला ऑप्शन फिल करती है। अगली लाइन थी कि आप रिजेक्टेड फील करते हैं, और इसमें भी न्यूल ऑलवेज वाला ही फील करती है कि बहुत दुखी हो जाते हैं और आपका मन रोने को करता है। इस तरह की लाइनें लिखी हुई थी। इसमें भी न्यूल सब में ऑलवेज फील करती है। डॉक्टर उसका फॉर्म देखकर उसे बताता है कि उसे डिप्रेशन है। ये सुनकर न्यूल हैरान हो जाता है और कहती है, ये नहीं हो सकता कि मुझे डिप्रेशन हो जाए। इस तरह वो डॉक्टर की बातों को फालतू मानकर बाहर से निकल आती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और रोज अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है और उसका करियर भी ठीक चल रहा है, तो उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। यही सब सोचकर न्यूल अपने घर आती है और वो अपने दिमाग को शांत करना चाहती थी। पहले वो टेरेस पर चली आती है। टेरेस के दीवार के करीब उसे एक लड़का दिखाई देता है। ये लड़का कौन है देखने के लिए वो आगे बढ़ती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे ही ये लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो देखते ही ये लड़का और कोई नहीं बल्कि चंगू है। उसकी आंखों में आंसू थे। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही अपने सैडनेस से बाहर आते हैं। हैरान होकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अचानक ही दोनों का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे थे। वो भी ऐसे हालत में जहाँ पर चंगू अपने करियर के एंड में खड़ा था और न्यूल अपने करियर के सबसे लास्ट पॉइंट पर खड़ी थी। दोनों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि एक दूसरे से बात करने पर वो क्या जवाब देंगे, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाती है।